नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। एक्टिव एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। हर बार की तरह मैं आपके सामने फिस कुछ करंट जीके के क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूं, जो आगामी एग्जाम को देखते हुए आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, बहुत से बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए निरंतरता बहुत ज़रूरी है, यानी रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें 5-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं चाहिए, हम रेगुलर 2 घंटे पढ़ाई कर लें। पर हमें पढ़ना मन से करना चाहिए, यानी लगन हमें पूरी होनी चाहिए परमानेंट रेगुलर, तो हमारे को रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ करंट जीके के क्वेश्चन। और दोस्तों थोड़ा वीडियो को लाइक किया करो, मैं बार बार कहता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने ये बात कही थी। कृपया करके थोड़ा हमारा भी हौसला अफजाई होता रहता है कि हाँ भाई, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, कुल मिला के सही दिशा में जा रही है। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है, दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति, पहले ही पता होना चाहिए दक्षिणी कोरिया किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ कि महाद्वीपों की संख्या वर्तमान समय में भी कितनी है, 7 थी, पहले भी 7 थी। यानी पृथ्वी के ऊपर देखा जाए तो 29% भूभाग पर क्या है बेटा, महाद्वीप ही पाए जाते हैं, और 71% भाग पर क्या है, पानी ही पानी। हमारा सवाल आता है कि दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बनाए? तो दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बनाए, यून सुक येवोल। यून सुक येवोल दक्षिणी अफ्रीका के नए, यानी दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। यहाँ की कैपिटल कौन सी, सियोल है। और यहाँ की जो मुद्रा चलती है, जो मुद्रा का बड़ा खेल चलता है, जो वर्तमान में देखा जाता होगा कि श्रीलंका आर्थिक स्थिति से दौड़ रहा है, तो उसी प्रकार मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है, दक्षिणी कोरिया वान। दक्षिणी कोरिया वान यहाँ की क्या है, मुद्रा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्रिटेन का उत्कृष्ट पुरस्कार, ब्रिटेन एक देश है जिसको हम इंग्लैंड भी बोलते हैं, कहते हैं कि इंग्लैंड विश्व के ऊपर राज कर चुका है। और वर्तमान समय में आपके सामने एक प्रेजेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ब्रिटेन का उत्कृष्ट पुरस्कार ऑनरी ऑनर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 का प्रदान किसे किया गया, यानी किस व्यक्ति को किया गया। तो यह पुरस्कार किया गया था गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार इसको क्यों दिया गया, ये कहाँ का निवासी है, जिज्ञासा होगी। यह पुरस्कार इनको दिया गया, परंतु यह पुरस्कार इनको तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के निवासी हैं, मधुरे नामक स्थान पर ये निवास स्थान रखते हैं। और इनको यह पुरस्कार दिया गया था कोविड-19, यानी कि देश इनसे, बहुत से देश बर्बाद हो चुके हैं कोविड-19 के कारण, यानी कोविड-19 के कारणवश इन लोगों की सहायता और हेल्प के लिए इनको यह पुरस्कार से नवाजा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, पीएम मोदी जी ने कहाँ पर, देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पीएम मोदी जी ने कहाँ पर रामगुड़म फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया, यानी राष्ट्र को पूरी तरह समर्पित कर दिया कि अब राष्ट्र इसका काम मिले। तो यह उद्घाटन किया गया, कहां पर किया गया, रामगुड़म तेलंगाना। कहां पर, तेलंगाना दक्षिण का एक राज्य पड़ता है तेलंगाना। और तेलंगाना के वर्तमान में सीएम कौन है, मैं कई बार बता चुका हूं, सीएम हमेशा याद रखना, राज्यपाल याद रखना, आपके आगामी एग्जाम रेलवे के जो आने वाले हैं, एनटीपीसी के आने वाले हैं या ग्रुप डी के आने वाले हैं, सीएटी के, उसमें बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनको आप इग्नोर ना करें। तेलंगाना के जो सीएम का नाम है चंद्रशेखर राव, कौन है, चंद्रशेखर राव साहब जी हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर पड़ती है। दोस्तों याद रखना कि जो हमारा भारत देश है, भारत देश 4 दिशाओं में है, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व। तो पश्चिम साइड में अरब सागर पड़ता है, पूर्व साइड में क्या पड़ता है, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर क्या आता है, बंगाल की खाड़ी के चक्रवाती तूफान असानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असानी ने दस्तक दी है। यह नाम किसने रखा, हाल ही में हुआ है, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। 120 किलोमीटर की रफ्तार से यह चक्रवात आया था। तो अगर पूछा जाए किसका नाम किसने रखा है, श्रीलंका, श्रीलंका की अगर राजधानी पूछी जाए, जयवर्धने और कोलंबो, जो राजधानी जयवर्धने है, आपको हाल ही में पता होगा कि श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल 2 बार लग चुका है, अर्थव्यवस्था वहाँ बिल्कुल चौपट हो चुकी है और हालात बिल्कुल ख़राब हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए पहला यहाँ पर क्वेश्चन आता है, श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, जयवर्धने और कोलंबो। जयवर्धने जो राजधानी है वो कौन सी है, इनकी विधायी राजधानी है, और कोलंबो इनकी कौन सी राजधानी है, न्यायिक राजधानी है। कौन सी है, न्यायिक राजधानी मानी जाती है। तो यहाँ पर इनका नाम ये रखा गया। अगला क्वेश्चन आता है,
पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न। इसकी शुरुआत सन 1954 में हुई थी। उसके बाद पहले नंबर पे होता है, दूसरे पे आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा नंबर। इन चार पुरस्कार, राइट है। अगर हाल ही में पूछा था, अगर 2022 की बात की जाए तो पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को और पद्म श्री 107 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था, 107 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। इसमें जो क्वेश्चन आता है पद्म भूषण, पद्म भूषण तीसरे नंबर का पुरस्कार, इसको कैसे याद किया जाए, इसमें भूषण तीन शब्द है यानी तीन अक्षरों से बना हुआ है, तीन ही अक्षर वहाँ पर है प्रेजेंट में, तो पद्म भूषण यानी तीसरे नंबर का पुरस्कार है। 2022 में यह पुरस्कार दिया गया था गुलाम नबी आज़ाद को। किसको दिया गया था? गुलाम नबी आज़ाद, जो राजनीति से जुड़े आदमी, जम्मू कश्मीर के CM रह चुके हैं, 2014 से लेकर 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर माने जाते थे, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, पब्लिक अफेयर्स के लिए, पब्लिक लोगों से जुड़ाव रखते हुए इनको यह पुरस्कार के लिए नवाजा गया है। दूसरा सवाल आता है बुद्धदेव भट्टाचार्य, टोटल यहाँ पर कितने आते हैं? 17 आते हैं, पर आपको वही इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे, सारे के सारे याद नहीं करने, जो आपको आगामी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के क्या रह चुके हैं? बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिमी बंगाल के CM रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? CM। देवेंद्र झांझरिया राजस्थान, खेल से संबंधित हैं, जो पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था राजस्थान की तरफ से और भारत की तरफ से ओलंपिक में। राजीव महर्षि राजस्थान सिविल सेवा, इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ उन्होंने काम किया और ईमानदारी से अपने आप को काम को करने की पूरी जिज्ञासा की। सत्यनारायण मंडेला, यानी सत्यनारायण मंडेला का पूछा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं और व्यापार उद्योग के क्षेत्र में इन्होंने, इनको यह पुरस्कार दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार। सुंदर पिचाई गूगल के CEO, यानी गूगल के CEO सुंदर पिचाई, और गूगल की स्थापना कब हुई थी? मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि गूगल की स्थापना मानी जाती है सन 1998 में, इसके CEO हैं और इनको यह क्षेत्र कौन सा है? व्यापार और उद्योग, यानी व्यापार और उद्योग दोनों क्षेत्रों में यह दिया गया, क्योंकि गूगल आज की तारीख में लगातार नेटवर्किंग साइट से बहुत बड़ा काम करने के अग्रसर है और एक अमरीका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी मानी जाती है। उसके बाद आता है साइरस पूनेवाला, साइरस जो पूनेवाला है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। आपको पता होगा कि COVID-19 की जो दवाई थी सीरम इंस्टीट्यूट के माध्यम से लोगों तक COVID-19 की दवाई पहुँचाएगी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये कहाँ पर बनी थी? ये बनी थी महाराष्ट्र के पुणे में और साइरस पूनेवाला इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो इनके, इनको भी यह पुरस्कार से नवाजा गया जिनका नाम है पद्म भूषण पुरस्कार। इनको यह पुरस्कार व्यापार उद्योग के क्षेत्र में दिया गया सीरम इंस्टीट्यूट, यानी कि ये सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पर पड़ता है? पुणे में पड़ता है। अगला आता है नेक्स्ट विक्टर बैनर्जी, विक्टर बैनर्जी मुखर्जी चटर्जी, ये सारे पश्चिमी बंगाल से जुड़े हुए हैं। विक्टर बैनर्जी पश्चिमी बंगाल, कला के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार से नवाजा गया है। और अगला पुरस्कार, अगला आता है पद्म भूषण जो पुरस्कार आता है गुरमीत बाबा, गुरमीत बाबा को किस क्षेत्र के लिए दिया गया? तो गुरमीत बाबा को पंजाब में कला, यानी कलाकार हैं और कला को दिखाने का प्रयास करते हैं, इनको यह पुरस्कार है। आपको मैं दोबारा इस चीज़ के लिए बता देता हूँ कि जो भारत रत्न जो पुरस्कार होता है इसकी शुरुआत सन 1954 में हुई थी। पद्म जो विभूषण पुरस्कार होता है वह 2022 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार 17 व्यक्तियों को दिया गया था और पद्म श्री 107 व्यक्तियों को दिया गया था। अगर आपके दिमाग में होगी इनकी राशि कितनी होती है, इनकी राशि होती है 0 रुपए, इनकी जो राशि होती है 0 रुपए होती है, परंतु यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो प्रतिष्ठित होते हैं, किसी न किसी क्षेत्र में अपना नाम कमा चुके हैं, उनको इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों लाइक और शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं।